एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो गुंटूर सिटी के एक होटल के बारे में है। सो गुंटूर सिटी जो है वो अपने रेड चिलीज़ को लेके और कॉटन का ट्रेडिंग और बहुत सारे एग्रीकल्चर के ट्रेडिंग के लिए फेमस है। सो ये सिटी जो है वो आंध्र प्रदेश में है और बे ऑफ बंगाल से 40 माइल्स के डिस्टेंस पे है। सो ये है वेलकम होटल। सो आपको मैं बता देती हूँ कि वेलकम होटल बहुत ही प्रीमियम होटल है इस सिटी का और ये सिर्फ एक अकेला प्रीमियम होटल है और विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पे है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल इस रूम में। और सिटी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है ये होटल और यहाँ से हर तरफ की कनेक्टिविटी, कॉमर्शियल एरियाज़ की और सिटी की भी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। ये होटल पड़ता है विद्यानगर रिंग रोड पे। इसका नाम है वेलकम बाय आईटीसी। सो बहुत ही खूबसूरत सा होटल है ये और इसका मैं पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको रूम का ही व्यू दे रही हूँ। रूम में बहुत ही अच्छे से इन्होंने 2 पार्टीशन में वॉशरूम बनाया हुआ है और रूम में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत ही सुंदर सा रूम है। इस पूरे रूम टूर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी नीचे का भी व्यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रूम टूर। सो अभी जस्ट हम लोग ने चेक इन किया हुआ है तो अभी मैं आपको विंडो के पास भी दिखाती हूँ कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सो इसमें स्टडी टेबल और सोफ़ा, 1 सिंगल सोफ़ा भी दिया है। ये है पूरा सिटी का व्यू और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से नीचे होटल का भी दिखता है स्विमिंग पूल और रात में ऐसा दिखता है ये स्विमिंग पूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि लाइट्स जल जाते हैं। और अभी हम लोग ने दिन में चेक इन किया है, 12 o'clock पे इनका चेक इन टाइम है और आई थिंक 11 या 11:30 पे इनका चेकआउट का टाइम है। सो अब मैं आपको नीचे ले चलती हूँ और इनका रेस्टोरेंट वाला एरिया दिखाती हूँ। ये रेस्टोरेंट था, ये बार है और ये बार वाले एरिया के बाद मैं बैंक्वेट हॉल भी दिखाती हूँ आपको। तो ये है बैंक्वेट हॉल इनका। अब मैं आपको रेस्टोरेंट वाला एरिया पूरा अच्छे से प्रॉपर दिखा देती हूँ कि कैसे इन्होंने डेकोरेशन की है। बहुत ही अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट पूरा, मतलब हर तरफ से दिख रहा है। बहुत ही यूनिक डेकोरेशन है और बहुत ही क्लासी सा भी है। सो ये वाला जो पूरा काउंटर था वो डेजर्ट्स का काउंटर था। बहुत ही मतलब ये ऐसा बहुत सारी जगह होता है कि एक या दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं, बट बहुत सारे डेजर्ट्स थे। और ये है मेन कोर्स वाला काउंटर। सो हम लोग मेन कोर्स के साइड भी गए और वहाँ पे भी हार्ड रोल, सॉफ्ट रोल और कुछ कुछ थे, मतलब बहुत सारे जो हम लोग नॉर्मली हम लोग नहीं खाते लेकिन बहुत लोग प्रेफर करते हैं। सो सिंस ये साउथ इंडिया में, तो मोस्टली जो मेन्यू थे वो साउथ इंडियन वाले भी मेन्यू थे, लेकिन हाँ कुछ नॉर्थ इंडियन और कुछ लाइक इंग्लिश मेन्यू भी थे। सो मतलब ऐसा है कि कहीं से भी कोई भी मतलब आए तो किसी को भी कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं होने वाला कि हम ये नहीं खा सकते वो नहीं, सबके पसंद का कुछ ना कुछ मिलेगा, वेज नॉन वेज एवरीथिंग वाज देयर। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि सारे जो डिशेस थे वो हॉट केस में रखे हुए थे, प्लस उनके नीचे इंडक्शन भी था जो कि ऑन था परमानेंटली। सो कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ था, एकदम गर्मा गर्म ही सर्व मतलब मैं ले सकते हैं और खा सकते हैं, एकदम गर्म था, कुछ भी ठंडा नहीं हुआ। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा। फिर नेक्स्ट आपको मैं इनका लॉबी दिखा देती हूँ। सो ये है इनका लॉबी और बड़ा ही सुंदर सा डिसेंट सा इनका लॉबी है। और लॉबी के बाद ये लिफ्ट वाला एरिया आ जाता है। सो ये वाला जो होटल है इसमें टोटल 104 रूम्स और स्वीट्स हैं इन टोटल, स्वीट रूम्स। और लाइक इनके 3 फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स भी हैं और 5 बैंक्वेट एंड मीटिंग वेन्यूज़ भी हैं। और ट्रेवल डेस्क है इस होटल में, एक फिटनेस सेंटर है लाइक जिम, और एक बिज़नेस सेंटर भी है जो कि अगर रिसेप्शन पे उसके लिए बोलें तो ज़रूर मिलेगा। और स्विमिंग पूल भी है, स्पा है, के बाई कायाकल्प, और बहुत ही ब्यूटीफुली बॉटनिकली सराउंडिंग्स है इसकी। और यहाँ पे जो कुजीन भी सर्व होता है वो पूरा ग्लोबली अक्लेम्ड है। सो
लाइक पूरा जितना भी फैसिलिटी जो हो सकता है ना, इन्होंने पूरा फैसिलिटी रखा हुआ है। और देखिए सिटिंग एरिया, जो वेटिंग एरिया है वो भी कितना सुंदर है, लाइटिंग्स वगैरह, और एकदम माइल्ड सा एक ट्रेडिशनल सा म्यूज़िक भी पूरे टाइम बजता रहता है, जो कि बहुत ही सूदिंग सा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही लाइक नीट एंड क्लीन एंड एवरीथिंग मतलब है। और जो रिसेप्शन के बैक साइड का भी एरिया, वो इतने सारे डिज़ाइंस का मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट वाला पूरा दिखता है वहाँ पे, इतना सुंदर डिज़ाइन में इन्होंने वास रखा है, बहुत वैरायटीज़ के वास रखे हैं। इनका जो डेकोरेशन पार्ट है ना, वो रिसेप्शन के आसपास वो पूरा वास से किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लगेज भी ये पूरा अच्छे से सैनिटाइज करते हैं और लाइक पूरा चेक होता है, और उसके बाद ही लाइक लगेज अंदर जा सकता है किसी का भी। सो ये वाला वेटिंग एरिया मैं आपको अभी होटल बाहर से भी दिखा देती हूँ, और बाहर से भी लाइक अच्छा खासा स्पेस भी है इनका। बाहर से लाइक देखने पे अभी यहाँ से पूरी बिल्डिंग नहीं दिख रही, लेकिन अगर रोड के भी उस पार जाएं, अभी तो मैं होटल के अंदर हूँ और आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग तो इतनी ही दिख रही है, लेकिन अभी मैं आपको फुल बिल्डिंग का भी व्यू दिखाती हूँ, लाइक फ़ोटो में मैं दिखाऊँगी आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो लाइक ये रिसेप्शन वाला एरिया दिख रहा है, इसके बैक साइड में जो है वो पूरा रूम्स वाला एरिया है, जो वो बिल्डिंग है। सो फुल होटल ऐसे दिखता है, आगे से तो काफ़ी छोटा दिखता है, बट फुल होटल जो है वो पीछे से बैक साइड से ऐसे दिखता है। तो अब हम लोग ने चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से बस 1 आवर डिस्टेंस का है, तो लाइक बहुत ही पास में है। और कभी भी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं और गुंटूर में विज़िट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस होटल को ट्राई कर सकते हैं। लाइक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम होटल है और हर तरफ से कनेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, लाइक आफ्टर ब्रेकफास्ट का है, सो क्लीनअप वगैरह हो चुका है। तो ये उसके बाद मैं रिसेप्शन के पास से मैं व्यू आपको दिखा रही थी कि बैक साइड से ऐसा लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड लाइक मस्ट मस्ट ट्राई वाला है। काफ़ी बड़े एरिया में एक्चुअली ये होटल है, जनरली जो रिसेप्शन और वेटिंग एरिया होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट ये बहुत ही बड़े एरिया में। सो ये मैं खुद हूँ और हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं नेक्स्ट डे, और उसके बाद अब निकलते हैं हम लोग। चलिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। टाटा।